हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अंजना माता जी का इतिहास, वो मंदिर भी बालाजी के अंदर ही है, अंजनी माता का मंदिर। उसके बाद हम फ्री होके अब निकल चुके हैं आरती की ओर। वैसे तो सबसे पहले प्रेतराज जी की आरती होती है, 2 से 4 बजे तक भक्त वहाँ पर आनंद उठाते हैं, और उसके बाद समाधि वाले बाबा जी की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भी दिखाई देगी। शाम को काफ़ी भीड़ होती है, लोगों ने तो खैर इसी प्रकार से हमें बताया है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। वैसे भी हम किसी की बाइक उठाकर अब इधर की ओर निकल चुके हैं, तो देखते हैं आगे कितनी भीड़ है, क्या नज़ारा है। मार्केट भी साथ के साथ दिखाई दे रही है। आइए आपको पूरी आरती दिखाते हैं, भीड़ कितनी है वो भी बताते हैं, क्योंकि हमें किसी ने कॉल की थी, काफ़ी भीड़ है, आप शायद ही अपना काम कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन भीड़ में ही काम करने का काफ़ी मज़ा होता है। अभी देखते हैं, चलिए। आरती शुरू होने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितना नज़ारा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं यहाँ पे, और निकलने की जगह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप सब देख ही रहे हैं। मेरे जितने साथी हैं सभी के सभी बड़े परेशान हो गए कि धक्का मुक्की से निकलने जा रहा है बिल्कुल ही। बाकी नज़ारा बहुत आ रहा है बाबा जी की आरती में, काफ़ी आनंद आ रहा है। आप सभी को फूल देखनी चाहिए, आरती इतनी भीड़ शायद ही आपको कभी कभी दिखाई देगी, जैसे मेला पर्व दिखाई देगी या हनुमान जयंती भी दिखाई देगी आपको। बहुत ही अच्छी नज़ारा हमारे लिए कि हम इतनी ज़्यादा भीड़ में दर्शन भी कर रहे हैं, एक प्रकार से ये लगा लो आपको कि इतने श्रद्धालुओं के साथ हमारे दर्शन हो रहे हैं।
मार्केट छोड़।